जीटी रोड स्थित इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में काम करने वाले आधे से अधिक श्रमिक हड़ताल पर चले गए हैं। श्रमिकों पर प्रबंधन द्वारा बीज चोरी करने के आरोप लगाकर काम से निकाला गया है। श्रमिकों ने लगाए गए आरोप को सिरे से नकारा है। श्रमिकों का कहना है कि इस मामले को लेकर वे पुलिस से शिकायत करेंगे। करीब 15 मजदूरों ने इंडो इजराइल सेंटर के गेट के बाहर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें तंग करने के आरोप लगाए। श्रमिकों ने कहा कि जब से इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का प्रबंधक दीपक दत्रवाल को बनाया गया है, तब से 3 बार श्रमिकों को काम से निकाला गया है। इससे पहले जितने भी प्रबंधक आए, श्रमिकों के साथ किसी का मतभेद नहीं हुआ है। प्रबंधक दीपक का रवैया महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है। वहीं इंडो इजराइल के प्रबंधक दीपक दत्रवाल ने कहा कि शिमला मिर्च के 6 नई वैरायटी के पैकेट गायब हैं। एक पैकेट की कीमत करीब 6,500 रुपये है। इससे पहले भी 2 लाख रुपए के घाटे को पूरा किया गया था। हाईटेक एक्सपर्ट द्वारा बीज की खरीद कर घाटे को अपनी जेब से पूरा किया गया था। अब जिसके पास चीजें आखिर में गई हैं, तो उसी से पूछा जाएगा। जिसे सीट दिया गया है तो उसके बारे में भी वही तो बताएगा। दत्रवाल ने बताया कि संस्थान में करीब 22 श्रमिक कार्य पर है, जिनमें से 8 श्रमिकों को छोड़कर बाकी हड़ताल पर है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। आज कैसे हड़ताल पे है आप? आज हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, कल हमारे को बाहर निकाल दिया। किस चीज की चोरी का इल्जाम लगाया है? सीट की चोरी का। किसने लगाया है? नीरू मैडम ने और दीपक दत्रवाल से। तो आप क्या कर रहे हैं? अब हम बाहर बैठे हैं जी, और क्या करना है। अब सर से पूछ रहे हैं, जब यहाँ इतने इतने कैमरे लगे हुए हैं, गेट पे भी चेकिंग होती है, तो हमने कहाँ बीज चोरी कर लिया। अब हम यहाँ लेबर के रूप में काम करते हैं, तो हम यहाँ चोरी करने थोड़ी नहीं आते। हमारे गेट पे भी चेकिंग होती है, जहाँ हम सीट लगाते हैं वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी हमारे को चोर बोला जा रहा है। और सर ने ये बोला है, अगर मैडम गाड़ी देती है हमारे को, गंदी गंदी गाड़ी देती है, जो हमारे भाई लगते हैं या हमारे जो बेटे लगते हैं उनको भी हमारा आदमी बता देते हैं, बहुत बुरी बुरी गाड़ियाँ देती है। सर बोलते हैं आके मैडम ऐसे ही गाड़ियाँ भी देगी और हमारे को 8 बजे तक यहाँ काम करवाया जाता है। तो आपने पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत नहीं की है जी। अगला कदम क्या होगा आपका? हम पुलिस को शिकायत करेंगे जी, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे वहाँ कि हमारे ऊपर ऐसे ही चोरी का इल्जाम लगाया गया और हमारे को सबको निकाला गया। हमारे को दलित बोलते हैं और ये कहते हैं तुम्हारे को यहाँ भी एक भी लेबर को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। 8 बजे तक हमारे से काम करवाते हैं, 10 बजे तक की हमारी ड्यूटी है, फिर भी हमारे से 8 बजे तक का काम लिया जाता है। और 26 दिन के हमारे को पैसे मिलते हैं, 31 दिन तक हमारे से काम करवाया जाता है। संडे की भी हमारी कोई छुट्टी नहीं है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं है हमारी। बीमारी में भी हमारे को कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर हम छुट्टी मांगते हैं कुछ भी बोलते हैं तो मैडम हमारे को गालियाँ देती है, बहुत गंदे वर्ड बोलती है वो हमारे को। ठीक है जी, कब तक चलेगी? अब सर हमारे से गलती मानेंगे, अपनी गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे? कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी? अनिश्चितकालीन हड़ताल। हाँ, ऐसे ही चलेगी जी। करने का पूरा हक है हमारे यहाँ। पिछले 2.25 साल में कई बार ऐसा हुआ कि बीज पैकेट पूरे के पूरे पैकेट गायब हो जाते थे। अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी हाईटेक एक्सपर्ट बियर कर रही थी, और तकरीबन 2 लाख के आसपास उन्होंने अपनी पॉकेट से सीड भी परचेज करके वापस स्टॉक पूरा किया है। जब से हमने इस पे वर्कआउट किया कि ऐसी घटना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फार्मर को हम टाइम पे सीड नहीं दे पाते, सीडिंग तैयार करके नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती। जब से इन्होंने संभालना शुरू किया, स्टॉक गिन के लेना और गिन के देना पैकेट स्टार्ट किए हैं, उसके बाद से ये पहली घटना है कि जिसमें मसीलिया वैरायटी के कैप्सिकम के 6 पैकेट मिसप्लेस्ड हैं। जब 1 तारीख को 23 अगस्त को इन्होंने 30 पैकेट एक पर्टिकुलर फार्मर के हैंडओवर करवा दिए हाईटेक एक्सपर्ट में एक लेबर को, राजू को, तो वो 2 ही कंडीशन उसकी हो सकती हैं हाईटेक में, या तो वो उसकी सोइंग हो चुकी होगी या वो पैकेट जो है वो हाईटेक में ही अलमीरा या कहीं और रखे हुए हो, जहाँ भी वो रखता था वहाँ हो सकते हैं। गायब होने का तो कोई सवाल ही नहीं। कितने पैकेट गायब हुए? 6 पैकेट मसीलिया वैरायटी, जो नई वैरायटी थी। क्या कॉस्ट है उनकी सर? तकरीबन 6,500 रुपये के आसपास 1 पैकेट की कॉस्ट है। और 6 पैकेट आपने पुलिस को सूचना दे दी सर? जी, पुलिस को हमने सूचना दे दी है, और हमने उसमें यही कहा है चोरी का हमने किसी के ऊपर ना कोई अंदेशा है ना, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते बिना साक्ष्यों के, लेकिन हमने सबसे पहले तो उस लेबर को ही कहा कि आप ढूंढवाओ इसको। हमने तो उसको मिसप्लेस होने और ढूंढने के लिए कहा, अगर वो खुद चोरी का कहता है जी आप तो हमारे को कह रहे हो चोरी है, तो वो किसी में शक लगता है सर?
हाँ, बट ऑब्वियसली जिसके पास से चीज़ें आखिर में गई हैं उसी को जवाबदेही तो उसी की बनेगी कि वो पैकेट कहाँ है, जवाबदेही तो वही होगा और उसी से जवाब पूछा जा रहा है। वो सभी लेबर को अगर लेके गया तो ज़बरदस्ती हम किसी से नहीं करवा सकते। तो ये एक आदमी का काम है, ये हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ उसी आदमी का नाम लेंगे जिसको हमने सीट दिया है और आगे जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो पूछताछ उसी से शुरू होगी। कितने कर्मचारी हड़ताल पे आज? तकरीबन 8 लोगों के अलावा सभी हड़ताल पे, 8-9 लोगों के अलावा सभी हड़ताल। ये सब लेबर क्लास है जी? कितने लेबर हैं? ये होंगे तकरीबन 20-22 लोग। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।